फ्रेंड्स, मैं दिनेश अग्रवाल। आज इस वीडियो में मैं एक हेल्दी वाटर के विषय में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वाटर यानी कि पानी हमारे बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% से ज़्यादा वाटर है। अगर हम देखें तो हमारे ब्लड में 85% वाटर है, और जो हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसमें 90% से ज़्यादा पानी है। ब्रेन में भी 80% से ज़्यादा पानी है। तो पानी हमारे बॉडी का बहुत ही अहम हिस्सा है, तो इसका खास ख्याल रखने की हमको ज़रूरत है। तो हमको कौन सा पानी पीना चाहिए, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। अभी देखिए, पानी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेड वाटर और एक होता है लाइव वाटर। डेड वाटर क्या होता है? आज मैक्सिमम लोग जो पानी पीते हैं, जो हमारे टंकी का पानी, बॉटल वाटर, टैप का पानी, कुएं का पानी, बोर का पानी, ये काफ़ी सारे पानी जो होते हैं वो डेड वाटर होते हैं। लाइव वाटर हम पीते हैं तो हमारे बॉडी के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो लाइव वाटर होता क्या है और कहाँ मिलता है? ताज़ा फ्रूट्स खाने की हम कोशिश करते हैं, ताज़ी सब्जियां खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ताज़ा मतलब लाइव। अगर लाइव या ताज़ी चीज़ हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे लिए हेल्दी होता है। जैसे जैसे वो बासी हो जाता है वो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं होता है। तो वैसे ही लाइव वाटर पीने की हमको ज़रूरत होती है। तो ये लाइव वाटर मिलता कहाँ है? अगर हम देखें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तो वर्ल्ड में काफ़ी जगहों का पानी लाइव वाटर है, जैसे कि हिमालय गंगोत्री का पानी, मक्का आबे जमजम का पानी, मैक्सिको का पानी, जर्मनी का पानी और हुंजा वैली का पानी। ये सभी जगहों का पानी लाइव वाटर है। यहाँ पे आप लोग अगर सर्च करेंगे देखेंगे कि यहाँ के लोग काफ़ी समय तक हेल्दी रहते हैं, इनकी लाइफ काफ़ी लंबी होती है, 120 साल से भी ज़्यादा ये लोग अलाइव रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। ये लोग ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि वहाँ का हवा बहुत अच्छा होता है, वहाँ का पानी बहुत अच्छा होता है। तो ये लाइव वाटर हमको कैसे मिल सकता है? इसके दो तरीके हैं, या तो हम वहाँ पे जाके सेटल हो जाएं जहाँ पे ऐसा पानी मिलता है, या ये पानी हमारे घर पे आ जाए। तो ये पानी हमारे घर पे आ सकता है क्योंकि ये काम को एक जापानीज़ कंपनी ने आज से 46 साल पहले कर दिया था। एक ऐसी मशीन जापानीज़ कंपनी बना दी जो ऐसा पानी हमको दे सके, ये लाइव वाटर हमको प्रोवाइड कर सके और हम हेल्दी रह सकें। एक्चुअली देखा जाए तो कुदरत ने हमको 120 साल के लिए बनाया है, लेकिन आज हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है क्योंकि हम आज पेस्टिसाइड से घिरे हुए हैं, मोबाइल के रेडिएशन से घिरे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वाईफाई का रेडिएशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, सभी घरों में एलोपैथिक दवाइयां हैं, एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जंक फूड, प्रोसेस फूड, एसिडिक फूड, ये सबसे हम जो है ना अनहेल्दी होते जा रहे हैं। जैसे कि कुदरत ने हमको 120 साल के लिए बनाया है, लेकिन अगर आज किसी की लाइफ 60 साल हो जाए या उससे ज़्यादा होने लग जाए तो हमको लगता है कि ये बोनस में लाइफ मिल रहा है। तो ऐसा हम लोगों ने लाइफ स्टाइल बना लिया है कि ये हम काफ़ी अनहेल्दी होते जा रहे हैं, हमारी लाइफ कम होते जा रही है। अगर हम इस हेल्दी वाटर को अडॉप्ट कर लें, इस लाइव वाटर को अडॉप्ट कर लें, तो हम काफ़ी समय तक हेल्दी और यंग रह सकते हैं। तो इस हेल्दी वाटर और इस लाइव वाटर में ऐसा क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, इस जापानीज़ कंपनी ने ऐसी एक मशीन बना दी जो लाइव वाटर बना सके आज से 46 साल पहले। अभी इंडिया में भी 4.5 साल से ये कंपनी आई हुई है। और इस पानी में ऐसा क्या होता है, आइए हम समझते। पूरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा इस वीडियो से। आप अपने परिवार को हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं इस पानी की मदद से। तो ये पानी में ऐसा क्या होता है? रशियन लोगों ने रिसर्च किया कि ये सभी पानीज में जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने बताया, जैसे कि हुंजा का पानी या गंगोत्री का पानी या ये कैंगन वाटर, जो कि मैं जापानीज कंपनी की बात कर रहा हूँ, इनेजिक कंपनी है, ये जो पानी बनाता है उसको कैंगन वाटर कहा जाता है। कैंगन वाटर में तीन प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे हमको काफ़ी बेनिफिट्स मिलता है। वो तीन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। पहली प्रॉपर्टीज होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। फ्रेंड्स, आइए हम कैंगन वाटर के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिकली चेक करते हैं। यहाँ पे 4 ग्लास लिया हुआ है जिसमें अलग अलग पानी है। इसमें पहले ग्लास में टैप वाटर है, दूसरे में बॉटल वाटर है, तीसरे में एरेटेड ड्रिंक्स है, पेप्सी, कोका कोला, थम्सअप, विस्की, बियर, माजा, स्लाइस, फ्रूटी, ये सब का रिप्रेजेंटेशन है। और एक ग्लास में मैंने लिया हुआ है कैंगन वाटर, जो आज का हीरो है। अभी इसको चेक करने के लिए ये ओआरपी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस ओआरपी मीटर को मैं सभी पानी में डालूंगा, देखते हैं किसका रीडिंग क्या आता है। पानी का रीडिंग जितना पॉजिटिव आएगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज है, और जितना नेगेटिव आएगा उतना अच्छा है। एरेटेड ड्रिंक्स का रीडिंग 400 से ऊपर चला गया। ओ माय गॉड, ये और ज़्यादा ऑक्सीडाइज है, ये हमको जल्दी बीमार करेगा, जल्दी बुढ़ापे की ओर लेके जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम को और डाउन करेगा। अब बारी है कैंगन वाटर की, हम चेक करते हैं कैंगन वाटर की रीडिंग क्या आती है। यहाँ पे देखें तो कैंगन वाटर जो है ये माइनस की ओर बढ़ रहा है, -300 के ऊपर चला गया, -400 से ऊपर चला गया। जैसे कि मैंने बताया, जितना माइनस उतना अच्छा, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है। ये हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। 4 ग्लास ऑर्गेनिक मौसम्बी के जूस जितना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें होता है।
अब हम देखते हैं कैंगन वाटर के अल्कलाइन प्रॉपर्टीज के विषय पे। फ्रेंड्स, कैंगन वाटर के अल्कलाइन प्रॉपर्टीज को हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं। यहाँ पे चार ग्लास लिया हुआ है। पहले ग्लास में टैप वाटर है, दूसरे ग्लास में बॉटल वाटर, तीसरे ग्लास में एरेटेड ड्रिंक्स और चौथे ग्लास में कैंगन वाटर है। पानी अल्कलाइन है या एसिडिक है इसको चेक करने के लिए पीएच ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। इस पीएच ड्रॉप को मैं सभी ग्लास में डालता हूँ, देखते हैं कौन से पानी का कलर क्या आता है, कौन सा पानी कहाँ पे है। नीचे आपको चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में हमको समझ में आएगा कि कौन से पानी का कलर कैसा है और किसके साथ वो मिक्स होता है। हम चेक करें अभी सभी पानी को, तो ये पानी को हम देख सकते हैं ये न्यूट्रल वाटर, ऑलमोस्ट 7 पीएच का पानी है। इस पानी को देखें तो ये 5.5 से 6 पीएच तक का पानी है। ये एसिडिक है और ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। ये 2.5-3 पीएच का एरेटेड ड्रिंक्स है और ये कैंगन वाटर जो है ये अल्कलाइन है, 9.5 पीएच का पानी है। अभी कैंगन वाटर अल्कलाइन होने की वजह से ये हमको हेल्दी बनाता है। अभी हमारे मन में सवाल आ सकता है कि अगर हम ये रेगुलर पानी पीते हैं तो कहीं ये हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन तो नहीं करेगा, ये फिर बाहर जाके हम दूसरा पानी पिएंगे तो ये हमारे शरीर के लिए क्या सही होगा। लेकिन अगर बता दूं हम ये पानी रेगुलर पीते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। मान लीजिए हम 15 दिन के लिए बाहर घूमने भी जाते हैं तो हम ये पानी अगर पीते हैं तो ये हमारे बॉडी में क्या चेंजेस लाता है हम चेक करते हैं। हम देखते हैं इस ग्लास के साथ में क्या हो रहा है। ये पानी मैं इसमें डाल भी रहा हूँ तो ये धीरे धीरे लाइट हो रहा है। तो कैंगन वाटर हमारे बॉडी को कुछ दिन का बफरिंग सिस्टम देता है, कुछ दिन तक इसको मैनेज करता है, फिर वापस से ऐसा ही हो जाता है हमारा बॉडी। आज भी हमारा बॉडी ऐसा ही है। हम जब इसमें कैंगन वाटर डालना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि इस पे ये क्या चेंजेस लाता है। अभी पहले ग्लास में मैं कैंगन वाटर डाल रहा हूँ तो देखते हैं ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखें तो ये भी चेंज हो रहा है। तीसरे ग्लास में मैं ये डाल रहा हूँ तो देखते हैं क्या चेंजेस आता है। इसमें एरेटेड ड्रिंक से ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होने के कारण कैंगन वाटर इसको चेंज नहीं कर पा रहा है। अगर हमको इसको चेंज करना होगा तो 32 ग्लास कैंगन वाटर चाहिए होता है। अभी देखते हैं ये एरेटेड ड्रिंक्स काफ़ी एसिडिक होने के कारण ये क्या चेंज लाता है। यहाँ पे देखिए जो एरेटेड ड्रिंक्स होता है ये कितना डेंजर होता है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। जितना ज़्यादा एसिडिक हमारे बॉडी के लिए उतना प्रॉब्लमेटिक होता है, जितना अल्कलाइन होगा हमारे बॉडी के लिए अच्छा होगा। तो अल्कलाइन बॉडी होने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और काफ़ी सारी बीमारियां दूर होती है, दूर करने में ये मदद करता है। कैंगन वाटर की तीसरी प्रॉपर्टीज़, कैंगन वाटर काफ़ी पतला होता है। इसके माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये हमारे बॉडी को हेल्दी रहने में मदद करता है। कैसे हेल्दी रहने में मदद करता है, क्योंकि ये हमको अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है। हम जो खाना खाते हैं उसके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, आइए हम कैंगन वाटर के पतलेपन को चेक करते हैं। पतलापन कहिए या माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टीज़ की, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने दो ग्लास लिया हुआ है। एक ग्लास में मैं चुटकी भर हल्दी लेता हूँ, दूसरे ग्लास में भी चुटकी भर हल्दी लेता हूँ। अब दोनों ग्लास में हम अलग अलग पानी डालेंगे। एक ग्लास में मैं डालता हूँ बॉटल वाटर, फिल्टर वाटर कहिए, या अपने जो टंकी का पानी आता है, जो भी हम पानी में रेगुलर यूज़ करते हैं उस पानी की हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कलर कैसा आ रहा है। लेकिन दूसरे ग्लास में यहाँ पे जब मैं कैंगन वाटर डालता हूँ, देखते हैं हम इसमें क्या चेंजेस आता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हम चेक करते हैं। अभी हम देखें पहली वाली ग्लास को तो ये मैंगो कलर का है, लेकिन दूसरे ग्लास में हम देखें तो पानी का कलर जो है ये ऑरेंज कलर का हो गया। ये काफ़ी डार्क होता जा रहा है क्योंकि कैंगन वाटर पतला होता है। तो पतला होने से क्या करता है, ये हल्दी के कण कण में चला गया और इसी वजह से हल्दी की प्रॉपर्टी को बाहर लेके आ गया, इसलिए इसका कलर ऐसा आ गया। यही पतलेपन की वजह से, ये जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी की सफाई अंदर से करता है, प्लस हम जो खाना खाते हैं उसमें जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होता है ये हमारे सेल तक पहुँचाने में मदद करता है। तो इसी के वजह से, ये पतलेपन की वजह से हम हेल्दी रहते हैं क्योंकि अंदर से हमारी सफाई होती है। कैंगन मशीन की फ्लैगशिप मॉडल है SD501, जिसमें एक फिल्टर है जो क्लोरीन और फ्लोराइड जैसी चीज़ों को भी निकालता है। कैंगन डिवाइस में 7 प्रकार के पानी मिलते हैं हमको। 3 प्रकार के पानी पीने के लिए होते हैं। एक इसमें होता है क्लीन वाटर, न्यूट्रल वाटर जो 7 पीएच का होता है। ये पानी बेबी फूड के लिए और दवाई खाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक पानी होता है 6 पीएच का ब्यूटी वाटर, जो हमारे चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये टोनर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के लिए भी ये पानी काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि स्किन के लिए पानी काफ़ी अच्छा होता है। एक पानी होता है इसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, 2.5 पीएच का लगभग ये पानी होता है। ये पानी कहाँ पे यूज़ होता है, ये पानी को हम यूज़ कर सकते हैं एंटीसेप्टिक की जगह, सैनिटाइजर की जगह, डिसइंफेक्टेंट की जगह। ये पानी को हम एक्जिमा, सोरासिस जैसी चीज़ों को ठीक करने के लिए भी यूज करते हैं और काफ़ी इससे लोगों को फ़ायदा मिल चुका है। ये पानी काफ़ी सारी स्किन की बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करता है। इसमें एक पानी मिलता है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जो कि हमारे सब्जी चावल में से पेस्टिसाइड निकालने में मदद करता है। अभी देखिए यहाँ पे इस वीडियो में हमने टमाटर धोया हुआ है, कुछ टमाटर को मैं सादे पानी से धो रहा हूँ और वहीं पे दूसरे केस में कुछ टमाटर को स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर से यहाँ पे धोया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि दोनों टमाटर के पानी में क्या फ़र्क आ रहा है।
अब दोनों पानी को हम एक ग्लास में निकालते हैं, आप देखिए दोनों पानी का डिफरेंस क्या है। एक पानी काफ़ी गंदा है जिसमें काफ़ी सारा पेस्टिसाइड निकला है, और एक पानी अभी भी साफ है, उतना गंदा नहीं हुआ क्योंकि उसमें से पेस्टिसाइड नहीं निकला। तो इसी तरह इस पानी की मदद से हम पूरे परिवार को पेस्टिसाइड फ्री खाना भी खिला सकते हैं। तो ये सारे सातों पानी हमारे परिवार को हेल्दी रखने में मदद करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये पानी काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी रोगों को ठीक करने में ये पानी मदद करता है। मैं ये नहीं कहता कि ये पानी सब कुछ करता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को, काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करने में ये पानी मदद करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। मी एंड माई फैमिली ड्रिंक्स कैंगन वाटर, व्हाट डू यू ड्रिंक?